अ फ्यू डेज अगो मैंने न्यूज़ पढ़ा लाइक एवरीबडी एल्स इन द कंट्री. मैंने ये रेप के बारे उबर रेप के बारे में पढ़ा. फिर मैं योगा क्लास में गई. मैं योगा कर नहीं पाई. मैं वापस घर आ रही थी योगा क्लास छोड़ के, तो मुझे थोड़ा सा अनसेफ लग रहा था, थोड़ा सा फियर आ रहा था. जैसे मुझे 13 साल से हो रहा है, आई मीन सिंस आई वॉज 13 years old से हो रहा है. मैं घर आई और यही काउच पे मेरे मम्मी डैडी टीवी देख रहे थे. टीवी पे क्या था? डिबेट्स. क्या बात कर रही थी? उबर रेप. मैं बैठ गई उनके साथ, टीवी देखती थी, देख रही थी. देखा तो दिस रेपिस्ट यादव, ही इज़ रेप्ड मैनी टाइम्स बिफोर. वो बाहर फिर रहा था फ्री, बेल से वो बाहर आ गया है और यू नो ही इज जस्ट रेपिंग पीपल. मैंने देखा कि यू नो हाउ ही टॉक्स अबाउट कि यू नो आई थ्रेटन द गर्ल दैट आई वुड. वो निर्भया केस की एग्जाम्पल के वो सेम थिंग वो करेंगे. एंड इट रियली डिस्टर्ब्ड मी कि यू नो वो ग्लोरीफाई कर रहा है, रेप को ग्लोरीफाई कर रहा है. तो वो पूरी रात यू नो वी वॉच्ड इट अपसेट. मम्मी डैडी भी बहुत अपसेट थे. फिर वो लोग चले गए सोने और मैं यहाँ पे बैठ रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बहुत अपसेट थी. और जब मैं अपसेट हूँ मैं लिखती हूँ. और मैं लिखती हूँ कहाँ पे? मैं लिखती हूँ एंग्री वेंटिंग एंग्री फीलिंग से और मैं फेसबुक पे लगा लेती हूँ.